सभी ब्लॉग देखने वालों को मेरे घर में सादर आमंत्रित है माता को। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल नीतू नेगी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी दिन के 2 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ गांव में। तो आपको पता ही होगा आजकल नवरात्रि भी है, तो हमारे गाँव में एक भाभी हैं तो उनके यहाँ कीर्तन है आज, तो सबको बुलाया है तो लोग चले गए हैं। थोड़ा लेट जा रही हूँ, तो मैं लेट इसलिए जा रही हूँ क्योंकि अभी तक मैं रुकी थी कि मम्मी आएगी तो मम्मी चली जाएगी, लेकिन माँ को आने में लेट हो गई है तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो मैं जाऊँगी, तो जैसा भी होगा जो भी होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और हमारे गाँव में डेली कुछ ना कुछ होता रहता है तो मैं आपको डेली बताती रहती हूँ। तो चलो अब मैं भी चलती हूँ, जो भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों, मैं पहुंच गई और यहाँ कीर्तन हो रहे हैं। तो ये है भाभी लोग का घर, पीछे से आ रहे हैं हम। और दादी और मैं साथ में आए। भाभी जिनके यहाँ कीर्तन हो रहा है, देर में मैं तो है चलो तब आ चलो तब आ। जय माता दी दोस्तों, सभी लोगों को जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, जय भोलेनाथ भगवान की जय। आज मैंने अपने घर में कीर्तन कराया है और सभी ब्लॉग देखने वालों को मेरे घर में सादर आमंत्रित है माता जी। तो चलो शेयर जरूर करें। चलो तो दोस्तों, यहाँ पे हो रहा है कीर्तन। Thank you.
सबको पानी पिलाना है तो मैं अभी आई हूँ पानी लेने। तो पहले सबको पानी ले जाती हूँ। अब मुझे ये भी पता नहीं है कि पानी ठंडा चाहिए या गर्म, लेकिन मैं ठंडा ही ले जाऊँगी। दोस्तों जब भी कहीं कीर्तन होता है या इनके यहाँ जब पहले भी हुआ था तो हम दोनों की बार लगती है चाय बनाने की। और आकाश ने ये प्लेटें भी बना दी है सबके लिए, तो ये भी बांटना है सबको। और चाय बन रही है तो किसी के लिए फीकी चाय बनानी है और किसी के लिए मीठी चाय। लोग इंजॉय कर रहे हैं ऊपर और हम यहाँ चाय बना रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है। और प्लेटें भी बन गई हैं पूरी, ये देखो। तो बस थोड़ी देर में हम भी बांटते हैं। उम्मीद है उम्मीद जड़ देर ना पहले फीके कर डाय अदरक आई। हेलो 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 हाय हाय दोस्तों आ जाओ चाय पीने। दोस्तों कीर्तन भजन भी हो गया और अब हम भी चलते हैं घर। तो भाभी भी आ रही है मेरे साथ। भाभी आधे रास्ते तक आ रही हैं, तो भाभी ने घास लेने आना है, ये देखो। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताती हूँ, भाभी बहुत अच्छे भजन गाती हैं। पता नहीं भाभी ने कब सीखे ये। थैंक यू नाना। और जब भाभी बताती रहती है कि मायके में भी बहुत भजन गाते थे ये लोग, और आप सुनोगे भाभी के भजन कल वाली वीडियो में भी सुना होगा आपने। तो बहुत अच्छे अच्छे भजन भाभी गाती है। तो हाँ भाभी बोल रहे हैं कि मतलब मेरी सगाई में सुनना अब भजन जो भाभी गाती हैं अच्छे अच्छे। और ढोलक मास्टर भी हैं भाभी, तो ढोलक भी भाभी ही बजा रही हैं फिलहाल में, क्योंकि आजकल मेरी चाची नहीं है। दोस्तों अंधेरा भी होने वाला है अब, तो तुम उनका पता कौन? अच्छा ये क्यों? तो यहाँ पे काटना है भाभी ने घास। तो दोस्तों भाभी भी चलेगी और अब मैं भी चलती हूँ। तो दोस्तों घर में पहुँच गई और अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं, टाइम भी हो गया। तो आज के ब्लॉग में यहीं पेंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी जो चैनल पर नए हैं तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप बने रहें नित्तू नेगी ब्लॉग के साथ। बाय।